पर वॉचिंग माई चैनल ऑल अबाउट टेक। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के न्यू रिलीज W2019 एक फ्लिप फोन के बारे में, जो कि सैमसंग लॉन्च करने वाले हैं शायद 2019 के आसपास, क्योंकि आप सीरीज देख के ये समझ पा रहे हैं। आप देखते हैं कि सैमसंग का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन था गैलेक्सी S9 प्लस, सैमसंग लॉन्च कर चुका है उसका गैलेक्सी नोट 9, और उसके बाद सैमसंग लेके आने वाला है उसका जो कि है गैलेक्सी का S10। अब इस सब फ़ोन को छोड़ के सैमसंग लॉन्च कर रहे हैं एक 2019 में एक ग्रेट फ्लैगशिप रिलेटेड फ़ोन जो कि है W2019। आइए इस फ़ोन के बारे में जानते हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैमसंग का ये जो फ्लिप फ़ोन है ये फर्स्ट लॉन्च होगा चाइना में। इस फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और जो नेविगेशन बार्स हैं वो आपको हार्डवेयर बेस्ड नेविगेशन बार देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी के जो स्मार्टफोन ट्रेंड है वहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन मिलता है, पर यहाँ पे आपको नेविगेशन बार जो कि है आपको यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पे। ये फ़ोन भले ही एक छोटा फ़ोन है, इसमें आपको टाइप कीपैड वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं, फिर भी ये एक बहुत ही हैवी पावरफुल टाइप का प्रोसेसर भी है इसमें, जो कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 845 के साथ ये प्रोसेसर पावर्ड है। इसमें 6GB रैम 128GB का भी स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन भी मिला है जो कि है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जिसका स्क्रीन साइज है 4.2 इंच एंड इसका रेजोल्यूशन है 1080x1920 पिक्सल्स। हम आते हैं इसके कैमरा पे। हम देख चुके हैं गैलेक्सी S9 प्लस में कि सैमसंग ने लॉन्च किया है एक वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा मोड, जहां पे आपको 1.5 अपर्चर से 2.4 अपर्चर तक स्विचिंग करने का मोड मिल जाता था। ये फीचर्स इस फ़ोन में है। इसमें कैमरे का दो कैमरा फीचर्स है, जो एक है 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेंसर के साथ जो कि f2.5 to f2.4 अपर्चर के साथ, एंड सेकेंड है टेलीफोटो लेंस फॉर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन एंड ऑप्टिकल जूम के लिए, और जो ऑर्डिनरी कैमरा होता है वो है 8 मेगापिक्सल के लिए f2.0 के अपर्चर के साथ। इस फोन में जो बैटरी है वो है 3070mAh बैटरी। बेसिकली ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बेसिकली टाइप सेट वाला फ़ोन है। अगर आप स्क्रीन को हटा दें, इस फ़ोन को ईजिली फ्लिप करते हैं, तो इसमें एक आपको टाइप वाला फीचर्स भी दिख जाएगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस फीचर्स को देखिए, यहाँ पर आप बहुत ही टाइप करके काम कर सकते हैं। पर इसका जो फ्रंट का एरिया है, इस एरिया ये टोटली एक टचस्क्रीन एरिया है। ये टचस्क्रीन एरिया में आप बहुत ही इजीली हर के काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 845 पावर बाई प्रो प्रोसेसर्स हैं, और यहाँ पे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि एक पुराने ट्रेंड का सिस्टम, फिर भी एक फ्लिप फोन में ये देना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे USB टाइप सी का भी पोर्ट मिल जाता है, एंड्रॉयड 8.1 और यो का भी सपोर्ट मिल जाता है सैमसंग UI। तो यहाँ पे है, यहाँ पे बिग्सबी का भी सपोर्ट मिलता है, डेडिकेटेड ऑन साइड आपको बिग्सबी मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ऐसे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसका प्राइस क्या होने वाला है इसके बारे में पता तो नहीं है। इसका कुछ गोल्ड वेरियंट लॉन्च होने वाला है शायद 2019 में चाइना में। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अगर ये फ़ोन इंडिया में आया तो देखते हैं क्या ये होता है, इंडिया में आता है या नहीं। मुझे लगता है कि ये फ़ोन बेसिकली 2019 का जो MWC होने वाले हैं वहाँ पे शायद ही आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेटेड थिंग्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।